कोविड 19 के तहत सरकार द्वारा घोषित किए गए 2500 रुपए प्रोत्साहन राशि नर्सिंग कर्मियों को दिलाने की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि जल्द प्रोत्साहन राशि के साथ समय पर नर्सिंग कर्मियों को वेतन दिया जाए। राजस्थान नर्सेज यूनियन RNU ने बाढ़ में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा को ज्ञापन सौंपकर मेडिकल कॉलेज में लगे नर्सिंग व मेडिकल स्टाफ के समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान नर्सेज यूनियन बाढ़ में शाखा के जिलाध्यक्ष मूल शंकर सारण के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के मुताबिक कोविड 19 में राज्य भर में 2500 रुपये नर्सिंग कर्मी को बोनस के रूप में दिया गया था, लेकिन बाड़मेर में लगे नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ को आज तक बोनस नहीं दिया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज में लगे नर्सिंग स्टाफ को वेतन के लिए हर महीने लंबा इंतजार करना पड़ता है। बाकी सभी को कार्मिकों को वेतन महीने के पहले सप्ताह में आ जाता है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का वेतन देरी से आता है। ऐसे में इन लोगों को वेतन को प्रत्येक माह की 1 तारीख को दिलवाने के लिए ज्ञापन में मांग की गई है। ज्ञापन के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में लगे कार्मिकों को नर्सिंग कर्मियों को छोटे छोटे कार्य के लिए 15 किलोमीटर दूर के मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जाना होता है, जबकि इनकी ड्यूटी राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में है। यही इसी हॉस्पिटल में क्लर्क का कार्य करते हैं। आधे स्टाफ का हर कार्य यहाँ होता है, जबकि हम लोगों को जब भी काम होता है तब अनावश्यक अवकाश लेना होता है। बाड़मेर जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में राजस्थान नर्सेस यूनियन अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि बाड़मेर में जो मेडिकल कॉलेज में लगे हुए नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको अभी तक 2500 रुपये जो सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी थी, जो उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि बाकी पूरे राजस्थान में सब जगह हो गया। और इनके साथ में लगे हुए PMO में जो नर्सिंग स्टाफ लगे उनको भी दे दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में लगे हुए उनको नहीं मिला। तो उनको लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई ये सब कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं सब स्टाफ, और फिर भी इनको प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं दी। और मुद्दा ये था कि समय पर सैलरी नहीं मिलती। पिछली बार जब हम कलेक्टर साहब को मिले थे 1 वर्ष पूर्व, तब से 5-6 महीने तो समय पर देनी शुरू कर दी, लेकिन अब वापस वही कभी 15 तारीख को, कभी 20 तारीख को, 25 तारीख तक मिलती है। अपनी 3 सूत्रीय मांग के ज्ञापन पर RNU ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान जिलाध्यक्ष मूल शंकर सारण समेत विभिन्न कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्मिक मौजूद रहे।